हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम रॉयल रंबल 2022 में हो रहे सभी मैचेस के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि उन मैचेस में किन सुपरस्टार्स के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में, जिसके लिए WWE ने अभी तक 15 सुपरस्टार्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं। और वो सुपरस्टार्स हैं कोफी किंगस्टन, सैमी जेन, डोमिनिक, रे मिस्टेरियो, एंजेलो डॉकिंस, मॉन्टेस फोर्ड, हैप्पी कॉर्बिन, मैडकैप मॉस, ऑस्टिन थ्योरी, शेमस, एजे स्टाइल्स, केविन ओवेंस, बिग ई, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट और सेलिब्रिटी जॉनी नॉक्सविल। और इनके अलावा 15 और सुपरस्टार्स इस साल 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में इंटर करेंगे। और फिलहाल जितने सुपरस्टार्स अनाउंस हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा चांसेस एजे स्टाइल्स के लग रहे हैं इस साल रॉयल रंबल जीतने के। वैसे आप कौन से सुपरस्टार्स का सरप्राइज रिटर्न इस साल रॉयल रंबल में देखना चाहोगे, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो इस साल 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के लिए WWE ने पहले से ही 21 फीमेल सुपरस्टार्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं। और वो फीमेल सुपरस्टार्स हैं बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन, शार्लेट फेयर, नियोमी, रिया रिपली, निकी एश, ब्री बेला, निकी बेला, कार्मेला, क्वीन ज़ेलिना वेगा, लीटा, मिशेल मकूल, केली केली, डेना ब्रुक, नेटालिया, मिकी जेम्स, तमीना, शाइना बेजदर, समर रे, अलाया और शॉर्टसी। और इनके अलावा 9 फीमेल सुपरस्टार्स इस साल वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में इंटर करेंगी। और रूमर्स ये सुनने में आ रहे हैं कि रोंडा रोजी रिटर्न आकर इस साल का 30 वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीतने वाली है। तो रॉयल रंबल 2022 में बेकी लिंच उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी एक न्यू चैलेंजर डू ड्रॉप से। और जैसा 2 हफ्ते से हम मंडे नाइट रॉ में देखते आ रहे हैं कि डू ड्रॉप हमेशा भारी पड़ रही है बेकी लिंच पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रॉयल रंबल 2022 में बेकी लिंच डू ड्रॉप को हराकर उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी। और रॉयल रंबल 2022 में ही हमें मिक्स्ड टैग टीम मैच भी देखने मिलने वाला है, जिसमें एज और बेथ फिनिक्स फर्स्ट टाइम टीम अप करेंगे और फेस करेंगे द मिज और उनकी वाइफ मरीज को। और इस मैच में ज्यादा चांसेस रेटेड आर सुपरस्टार एज और द ग्लैमेजॉन बेथ फिनिक्स के जीतने के हैं। तो रॉयल रंबल 2022 में जो WWE चैंपियनशिप का मैच हो रहा है वो बहुत सारे फैंस का ड्रीम मैच है, क्योंकि ये मैच होने जा रहा है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का द ऑलमाइटी बॉबी लैशली के साथ। और बॉबी लैशली को ये मैच बहुत टाइम से चाहिए था और उन्हें और फैंस को फाइनली ये मैच मिल रहा है रॉयल रंबल 2022 में। और जैसा ब्रॉक लेसनर ने बोला है बॉबी लैशली को कि लेसनर लैशली को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि बॉबी लैशली ब्रॉक की तरह बनना चाहते हैं, पर लैशली ने ये बोला है कि जैसे उन्होंने डेवन पेपरव्यू में ब्रॉक को डोमिनेट किया था वैसे ही वो रॉयल रंबल में ब्रॉक को डोमिनेट करके हराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रॉयल रंबल 2022 में लेसनर उनका WWE चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे लैशली को हराकर। वैसे आप लोग इस मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं रॉयल रंबल 2022 के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच के बारे में, जो कि होने जा रहा है द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स का द विजनरी सेथ रॉलिंग्स के साथ। और जैसे इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आपने देखा होगा कि सेथ और केविन ओवेंस ने द उसोस को रिंग साइड से बैंड कर दिया है जब सेथ और रोमन का मैच होगा रॉयल रंबल पेपरव्यू में। इसलिए अब इस मैच में ज्यादा एडवांटेज सेथ रॉलिंग्स के पास है, क्योंकि इस मैच में केविन ओवेंस इंटरफेयर करके सेथ की मदद कर सकते हैं, लेकिन उसोस इस मैच में रोमन की मदद करने नहीं आ सकते। तो इसलिए अभी इस मैच में ज्यादा चांसेस सेथ के जीतने के हो गए हैं। वैसे आप लोग इस मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, सेथ रॉलिंग्स को या फिर रोमन रेक्स को, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और रॉयल रंबल 2022 इंडिया में संडे 30 जनवरी की सुबह 6:30 बजे से Sony 10.1 और Sony 10.3 बदेगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।